हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने मुगल एम्पायर के पार्ट टू में पढ़ा था हुमायूं के रूल तक। तो इस बार आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के रूल के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वैदिक एकेडमी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अकबर के रूल को। तो अकबर के पहले तक हमने पढ़ा था, इसके जो पहले रूलर थे वो थे हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर आए, और फिर अकबर के बाद जो रूलर आएंगे वो होंगे जहांगीर। तो इस पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अकबर के एक बार अर्ली लाइफ को थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने देखा था 1555 एडी में हुमायूं ने सूरी डायनेस्टी से यानी अफगान रूल से तख्त वापस लेकर मुगल रूल में लाया था, लेकिन 1556 में ही उनकी मौत हो गई थी। तो 1556 में एक अर्ली एज में यानी सिर्फ 14 साल के एज में अकबर को तख्त संभालना पड़ा था। तो इसलिए 1556 से 1560 एडी यानी 4 साल तक बैराम खान के अंदर उन्होंने रूल किया। तो बैराम खान एक तरह से कह सकते हैं वफादार थे मुगल डायनेस्टी के, तो अकबर रूलर थे लेकिन बैराम खान उनके तरफ से जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे या फिर डिसीजन लेते थे। तो 1560 में अकबर ने 18 साल के हुए और उन्होंने तख्त संभाला, लेकिन फिर भी 1560 से 1562 तक यानी 2 साल तक महामंगा एक थी, तो उनके एक तरह से इन्फ्लुएंस में वो काम करते थे, तो उनको कठपुतली की तरह नचाया जाता था अकबर को। तो इसलिए इस 2 साल के रूल को पेटीकोट रूल भी कहा जाता है। लेकिन फिर 1562 में अकबर ने इससे अपने आप को अलग कर लिया और महामंगा के जो भी जाल है उन्हें पकड़ लिया था, तो इसलिए वहाँ से हम कह सकते हैं 1562 से वो इंडिपेंडेंट रूलर बने थे, ठीक है। तो अब एसएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो अकबर से काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बैटल्स उन्होंने लड़े हैं वो देखते हैं। तो रूलर बनते ही यानी 1556 एडी में ही उनको पहला बैटल लड़ना पड़ा, और उस बैटल को लीड किया था बैराम खान ने, लेकिन रूलर उस समय अकबर ही थे। तो वो था बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो ये बैटल में जो दो लड़ाई हुए थे उसमें कौन कौन थे, एक थे अकबर, दूसरे साइड थे हेमू, ठीक है। तो अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ा था जो लीड किया था वो थे बैराम खान ने, ठीक है, और बैराम खान ने हराया था हेमू को। हेमू कौन थे पहले ये देख लेते हैं। तो हेमू थे जनरल थे मोहम्मद आदिल शाह के। तो मोहम्मद आदिल शाह के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि वो कौन थे। मोहम्मद आदिल शाह जो है लास्ट रूलर कह सकते हैं जो थे, वो अफगान रूल के लास्ट रूलर थे मोहम्मद आदिल शाह सूरी डायनेस्टी के, ठीक है। तो उन वो दिल्ली से तो चले गए थे 1555 एडी में ही, लेकिन वो पूरी तरह से हारे नहीं थे। तो 1556 एडी में उनको पूरी तरह से हराया बैराम खान ने, ठीक है, फॉर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। नेक्स्ट बैटल हम देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर ने डिफीट किया था महाराणा प्रताप जो कि राजपूत रूलर थे उनको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो बैटल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, दोनों का टाइम भी आपको याद रखना है। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 यानी तुरंत उनके रूलर बनते ही, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 यानी ठीक 20 साल बाद, ठीक है। तो इतने दिन में आपको कितने सारे बैटल्स याद करने होंगे मुगल से। 1526 में अगर हम देखें तो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फिर 1528 में हुआ था एक बैटल लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है, फिर 1539 बैटल ऑफ चौजा, फिर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चलिए तो इन बैटल्स के बाद आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने फतेहपुर सिकरी नाम की जो सिटी है वो अकबर ने ही बनाया था, और फिर अपने कोर्ट को वहाँ शिफ्ट किया था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ था इसके पीछे हम कारण जानते हैं। तो अकबर, ये एक पर्सनल कारण से हुआ था, तो अकबर की संतान नहीं हो रही थी तो वो काफ़ी टेंशन में इससे आ गए थे, ठीक है। तो लेकिन फिर जो ये सलीम चिश्ती जो थे उनके आशीर्वाद से फिर उनको एक बेटा हुआ जो कि थे जहांगीर, ठीक है। तो उनके ऑनर में इन्होंने फतेहपुर सिकरी बनाया और अपना कोर्ट को फतेहपुर शिफ्ट किया, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सलीम चिश्ती के बारे में, ठीक है। तो अब एक और अब क्वेश्चन अब पे आ जाते हैं कि हु फाउंडेड द रिलीजन दीन इलाही, ठीक है। तो एक नया रिलीजन इन्होंने बनाया दीन इलाही। तो हम देख सकते हैं एक थोड़ा लिबरल माइंडेड ये थे और चाहते थे कि सब रिलीजन का अच्छा अच्छा चुनके हम एक नया रिलीजन बनाएं, तो वो एक रिलीजन बनाया था दीन इलाही इन्होंने, ठीक है। और फिर जजिया जो टैक्स था जो हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था जो कि रिलीजियस टैक्स था, उसे भी अबॉलिश किया था अकबर ने, ठीक है। तो अब इनके थोड़े कोर्ट में आते हैं। तो कोर्ट में इनके 9 ज्वेल थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो 9 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस अलग अलग फील्ड से थे, उनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो सबसे पहले अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक,
जो कि बायोग्राफी थी अकबर की। दूसरे जो थे फैजी, तो फैजी एक कवि थे, इन्हें राजकवि भी कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लीलावती लिखी है, तो कभी कभी पूछ सकते हैं लीलावती बुक किसने लिखी, तो वो फैजी थे, ठीक है, और फैजी को ही राजकवि भी कहते थे। तो ये तो दो हो गए, अबुल फजल और फैजी। इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जेवल नवरत्न में से एक थे, वो थे बीरबल, और बीरबल को कवि राज भी कहा जाता था, ठीक है। और इन तीनों के बारे में एक स्पेशल चीज़ आपको याद रखना है कि ये तीनों ने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था, ठीक है, अबुल फजल, फैजी और बीरबल। और बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो बीरबल को ही कवि राज या कवि प्रिय भी कहा जाता था, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आप चौथे जो आते हैं वो है तोदरमल। तो तोदरमल कौन थे? तोदरमल रेवेन्यू सिस्टम के एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदारी इनके ऊपर थी रेवेन्यू सिस्टम की। तो इन्होंने एक नया बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम लाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तोदरमल ने ही बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम लाया था, और ये अकबर के रूल में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मनसबदारी सिस्टम भी एक आया था, वो भी आपको याद रखना है, अकबर के टाइम ही हुआ था। तो चलिए, ये था अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो जहांगीर का सबसे पहले देख लेते हैं इनके पीछे और आगे कौन कौन थे। तो पीछे थे अकबर, और जहांगीर के बाद शाहजहां आते थे, और उनके बाद आएंगे औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान से देखिएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आएंगे और फिर आएंगे औरंगजेब, ठीक है। और जो बीच का दोनों जहांगीर और शाहजहां हैं वो हम अभी पढ़ लेते हैं। तो जहांगीर का ही नाम शलीम भी था, और इन्हें शेखो बाबा भी कहते थे, ठीक है। तो आपने अगर मुगले आजम मूवी देखी होगी तो उसमें सलीम सलीम करते थे, तो वो जहांगीर ही थे, ठीक है। और बचपन में इनका नाम शेखो बाबा भी था। तो अब इनके कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और वो थे कि ही मैरिड नूर जहां, ठीक है। तो नूर जहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नूर जहां से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनका असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम था मेहरुल निसा, ठीक है। तो मेहरुल निसा, और इन्हें कभी कभी टाइटल बादशाह बेगम के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काफ़ी बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिनों बाद एक ऐसी मतलब लेडी आई थी जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनके नाम पे कई कॉइन्स भी इशू करवाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका रियल नेम मेहरुल निसा, और इनका जो एक टाइटल मिला था बादशाह बेगम का, ठीक है। तो ये हो गया इनकी वाइफ के बारे में। अब इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो दो रूलर हो गए जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक हो गए बाबर जिन्होंने तुजुकी बाबरी लिखी थी, और एक जहांगीर जिन्होंने तुजुकी जहांगीरी लिखी है, ठीक है, दो ऑटोबायोग्राफी। तो जहांगीर के बारे में आपको, हाँ, एक और फैक्ट आपको याद रखना है जहांगीर के बारे में, कि जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3-4-5 बार आ चुका है, और ज़रूर है कि नेक्स्ट बार भी आएगा, ठीक है। तो टू इंग्लिश पीपल आए थे, ठीक है, एक थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और दूसरे थे कैप्टन सर थॉमसन रो, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, एक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और एक किंग जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, करीब 1607 या 8 के करीब आए थे, और फिर 1616 में करीब आए थे सर थॉमसन रो, ठीक है, तो जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। तो पूछा जाता है कि किसके टाइम में पेंटिंग अपने जेनिथ पर पहुंच गया था, ठीक है, तो वो जहांगीर होंगे, ठीक है। तो जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है शाहजहां। तो उनके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, उनके बारे में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, उनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, और उसे हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग टॉपिक के रूप में। तो शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल भी कहा जाता है। तो क्यों गोल्डन एज कहा जाता है, ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है, इतने सारे आर्किटेक्चर मार्वल्स उनके टाइम बने, आर्ट अपने जेनिथ पर जहांगीर के टाइम में पहुंच ही चुका था, तो हम देख सकते हैं, इसलिए शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी बोला जाता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी के अलावा एक तरह से आर्ट और जो कह सकते हैं आर्किटेक्चर, वो अपने जेनिथ पर पहुंच गया था, ठीक है। तो हिज लास्ट डेज वर लेकिन वे बहुत पेनफुल, क्यों? क्योंकि औरंगजेब के कारण, क्योंकि औरंगजेब जो इनके बेटे थे शाहजहां के, उन्होंने इन्हें इम्प्रिजन कर दिया था, ठीक है, आगरा फोर्ट में। तो ये बहुत ही इनका लास्ट जो है वक्त दुखद के साथ बीता, और अपनी फिर बेटी इनकी सेवा करती थी जो शाहजहां की बेटी थी, और
फिर उन इम्प्रिजनमेंट में ही इनकी मौत हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कुछ दो फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे, इनमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेवर्नियर। ठीक है, तो दो एक आए थे, एक बर्नियर आए थे, एक ट्रेवर्नियर आए थे, लेकिन ट्रेवर्नियर और का नाम तो आपको बिल्कुल याद रखना है, और ये फ्रेंच ऑरिजिन के थे, ये भी आपको याद रखना है। तो शाहजहाँ के बारे में आपको इतना ही जानना है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे औरंगज़ेब के रूल के बारे में, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ लेटर मुगल्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा जो लंबा वीडियो है ये पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने अकबर को कवर किया, इसके अलावा जहांगीर को कवर किया, और फाइनली शाहजहां को कवर किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे औरंगज़ेब और लेटर मुगल्स के बारे में। इसी के साथ हमारा मुगल्स डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक दबाइए। गुड बाय।